अनुशक शिक्षा में तो बेसिक स्कूल की बैकबोन है, अपना टाइम आएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज। एक साथ हम कई खबरें आपको यहां पर दिखाएंगे। अंशकालिक अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश की 5 मांगें संगठनों द्वारा दी गई हैं, जिसको सरकार ने पूरा करने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई है। विभागीय कार्य पड़ी और क्या सूचना होगी, क्या हमारे लिए समस्या समाधान होगा, ये समय बताएगा। जो कि सरकार के संज्ञान में 5 मांगे अंशकालिक अनुदेशकों की। यहाँ पर एक और खबर है, सपा सरकार आने पर वीपीएड अनुदेशकों की होगी भर्ती। प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में 32,200 वीपीएड अनुदेशक भर्ती होगी और इसके बाद मानदेय पर नियुक्त अनुदेशकों को समायोजित किया जाएगा। वीपीएड अनुदेशकों की भर्ती व अनुदेशकों की विनियमितीकरण किए जाने के सपा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व अभी 10 तारीख को मुलाकात भी कर चुके हैं हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अनुदेशक संघ के, माननीय मुख्यमंत्री जी से। सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये आश्वासन बुधवार को लखनऊ में बीएड कांग्रेस मोर्चा 32,200 अनुदेशक संघ व मुखिया ने कहा है कि सरकार आने पर हम समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने सपा मुखिया को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रशिक्षित स्नातकधारी शिक्षक की श्रेणी में नियुक्त अनुदेशकों को सिर्फ 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। 2000 में उनका मानदेय 17,000 हो गया था, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया। साथियों, यहाँ पर बहुत ही दुखद बात है ये, और उन्होंने सपा मुखिया से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अनुदेशकों को समायोजित करने की मांग की उन्होंने, जिस पे अध्यक्ष जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में लिखते रखते हैं और गंभीरतापूर्वक इस पर विचार किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि चाहे शिक्षा मित्र का मामला हो, चाहे 69,000 भर्ती का मामला हो, चाहे VTC BEd आशा बहुओं अनुदेशकों ग्राम विकास अधिकारी पुलिस भर्ती का सवाल हो, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये ट्वीट किया है विपिन राठौर ने ट्विटर पर। ये घमासान चल रहा है ट्विटर पर, ये मांगें लगातार जारी हैं अपनी मांगों को लेकर, संवैधानिक अधिकार को लेकर। एक और ट्वीट आया है यहाँ पर, ये अरुण कुमार सिंह जी का है कि 7,000 की मामूली मानदेय पर जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ा रहे अनुशिक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि नियमित करें। ये रिक्वेस्ट की है, ट्वीट किया है अरुण कुमार सिंह जी ने, और उन्होंने बताया है कि 7,000 के मामूली मानदेय पर हम लोग दिन अपने गिन रहे हैं कि कब तक ये हमारा मानदेय बढ़ेगा। साथियों, एक और समाचार प्रयागराज से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये समाचार पत्र है, रोजगार के लिए सड़क पर उतरे युवा सौंपा ज्ञापन। बालसन चौराहे पर छात्रों के प्रदर्शन, 16 नवंबर से बेमियादी आंदोलन की घोषणा की है। साथियों, यहाँ पर ये समाचार आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जिसे आज कॉलम दिया है, जगह बनाई है इस समाचार ने, प्रयागराज का प्रिंट मीडिया। एक और हम यहाँ पर ट्वीट देखेंगे समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी कार्यालय से लखनऊ में आज पेट जंगल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र पांडे एवं प्रसिद्धी अनुदेशक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। वही न्यूज है कि हमारा मानदेय 30,000 अनुदेशकों को नियुक्त हुई थी, इसलिए वर्तमान सरकार द्वेष भावना से प्रेरित होकर मानदेय नहीं बढ़ा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि उनके अल्प मानदेय से भी कटौती और रिकवरी की जा रही है। साथियों, यहाँ पर इन्होंने और लिखा है कि वीपीएड संघर्ष मोर्चा के ज्ञापन में कहा गया कि 32,200 खेल अनुदेशक भर्ती न होने से बेरोजगारी की जिंदगी जी रहे अपनी आवाज़ उठाने पर तमाम साथियों के खिलाफ संगीन धाराओं में भाजपा सरकार ने मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी सरकार बनने पर उनकी मांगों को विचार करने का आश्वासन दिया है। राजेंद्र चौधरी मुख्य प्रवक्ता हैं। डिबेट के कुछ पल आपके सामने। 200-250 जितना रुपया उसको मिलता है वो सारा पैसा पेट्रोल में भराकर 70-80 किलोमीटर विद्यालय जाता है और फिर 70-80 किलोमीटर विद्यालय को वापस आता है।
हमारा तो 200-250 रुपया जो मिलता है, 233 रुपया, वो सारा पैसा हमारा पेट्रोल में चला जाता है सर। हम क्या खाएं और क्या पकाएं, क्या पहने, बच्चों को क्या शिक्षा दे। हम उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, राम राज्य की बात करने वाले, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले इस योगी सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, योगी जी आप तो संत है, आप तो महात्मा है, आप तो योगी जी 30,000 देशों की पीड़ा को समझिए। योगी जी बहुत हो चुका, 5 साल योगी जी आपने हम लोगों के कष्ट को देखा है। यदि अब चुनाव का मौसम आ गया है योगी जी, तो कम से कम इस चुनाव के समय ही उत्तर प्रदेश के 30,000 देशों को नियमितीकरण करिए, क्योंकि नियमितीकरण से योगी जी इससे कम हम लोगों को कुछ मंजूर नहीं है। कोई मानने की हम बात नहीं करेंगे, कोई पैसा बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो नियमितीकरण चाहिए, क्योंकि हमारा पद शिक्षा के अधिकार। कुल मिलाकर साथियों, अंधो शिक्षा मित्र यहाँ पर अवसाद में हैं और सरकार से लगातार अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। साथियों, इस दुश्वारियों में जी रहे अंधो शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि आप शिक्षा मित्रों और निदेशकों के भविष्य को सुरक्षित करें, जैसा कि आपने वादा भी किया था अपनी सरकार बनने से पहले। लगातार अपने प्रयासों के प्रति जागरूक और सरकार को अवगत कराते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, विनती करते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी बदलाव इनके जीवन में निदेशक और शिक्षा मित्रों के नहीं हुआ है। कोशिश करते हैं सरकार जल्द इनको पूरा करने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।